हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रांची के लॉयर एच के सिंह के बारे में। रांची के लॉयर एच के सिंह ने केस करा है मोदी, अमित शाह और उनके बाकी कार्यकर्ताओं के ऊपर, ये कहते हुए कि इन्होंने 2014 से जो झूठ बांधे हैं, पहला झूठ ये कहा था कि 15 लाख रुपए हर इंसान के अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे और फिर दूसरा ये कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेंगी। अपनी रैलियों में इन्होंने बहुत झूठ बांधा और आम आदमी को काफी अंधेरे में रखने की कोशिश करी है बीजेपी लीडर्स ने। अपने बयान में इन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत बेवकूफ महसूस कर रहा हूं, जैसे आज का आम नागरिक बेवकूफ महसूस कर रहा है बीजेपी पार्टी लीडर्स पे भरोसा करके। रांची के लॉयर एच के सिंह ने मोदी, अमित शाह और उनके कुछ कार्यकर्ताओं पर केस किया है सेक्शन नंबर 415, 420 और 123 बी के तहत। अपोजिशन पार्टी के बीजेपी लीडर प्रतुल शाहदियो ने जवाब में कहा कि इस वक्त ये केस सिवाय प्रमोशन के और नाम और शोहरत कमाने के कुछ और नहीं लगता। वहीं के बीजेपी के किसी भी लीडर ने ये नहीं कहा था अपने बयान में कि हर के अकाउंट में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैर, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रांची के लॉयर एच के सिंह ने अमित शाह, मोदी और उनके कुछ कार्यकर्ताओं पर केस करा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।